दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है अगले रविवार को, और आप सबकी तैयारी पूरी हो गई होगी। हम लोगों ने भी मैंने भी कुछ पढ़ाई लिखाई किया था, बट एग्ज़ाम में ड्यूटी लग गया है। पिछले बार भी लगा था और इस बार भी लगा है, तो हो सकता है मैं आपको एग्ज़ाम सेंटर पे दिख जाऊँ। आप देख रहे होंगे कि वीडियो का थंबनेल थोड़ा सा अलग टाइप का है, वो इसलिए किया गया है ताकि आप ये वीडियो को पूरा देख सकें। और पूरा देखने के पीछे का पर्पस यही है कि आपका ये 4-5 मिनट आपके मतलब जो एग्ज़ाम के सबसे प्रीसियस चीज़ें हैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तैयारी सबने कर ली है, लेकिन कुछ ऐसी जो छोटी चीज़ें हैं आपको ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा आपका पूरा का पूरा मतलब मेहनत बेकार जा सकता है। इन किन्हीं रीजन्स में आप मतलब किन्हीं जो चीज़ टॉपिक है आप इसमें पीए रह जाएंगे, आप यहाँ लैग करेंगे, तो आपकी तैयारी को काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इसका मैंने थंबनेल कट ऑफ के नाम पे रख लिया और आप लोगों को लग रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये एक तरीके का क्या बोलते हैं पॉलिसी है लोगों को अट्रैक्ट करने की। मैंने इस बार ट्राई किया, लेकिन आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप पूरा देखेंगे। सबसे पहले अब 2 दिन बचा हुआ है, तो सबसे पहले टॉपिक जो है पढ़ाई के बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी लोग होते हैं जो ट्रेन में बस में इधर उधर जाते हैं, तो रास्ते में पढ़ते जाते हैं, डिस्कशन करते जाते हैं, अच्छी बात है। उस पर मतलब अभी पढ़ना 24 घंटे पहले छोड़ देना, ये प्योरली आप पे डिपेंड करता है। और लेकिन यदि आप पढ़ाई करते हैं तो फ़ायदा है आपको, करेंट अफेयर्स पढ़िए। करेंट अफेयर्स के अलावा और कुछ नहीं पढ़िए, उसके चक्कर में रहिएगा, कुछ और नहीं होगा। करेंट अफेयर्स जो चीज़ें हैं दिमाग में सेटैक से घुसती हैं, लास्ट टाइम में आपको रिकॉल करने में सबसे हेल्पफुल होता है करंट अफेयर्स। आप अपना रिकॉल कीजिए, जिस चीज़ से आपने पढ़ा है उससे पढ़िए। दूसरे बात की ये जो सेंटर है, 4-4, 5-5 लाख किलोमीटर दिया हुआ है ना, कैमूर से कन्याकुमारी तक और जहानाबाद से जम्मू कश्मीर तक का जो सेंटर है। चलिए पॉलिसी मतलब एक चीटिंग वगैरह को रोकने के लिए करा गया है, तो जो भी है बढ़िया है। तो आप यदि अभी तक नहीं गए हैं तो प्लीज़ निकल जाइए, चले जाइए वहाँ। एक दिन आप रह लिए किसी होटल में या लॉज वगैरह में, 200-400 आप एक्स्ट्रा दे के रहते हैं तो आप वहाँ रह लीजिए। एक दिन पहले जाइए, व्यवस्थित रहिएगा। लास्ट के दिन में जाइएगा तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठंड अभी भी थोड़ा बहुत पड़ रहा है, रेलवे स्टेशन पे इधर उधर आपको भटकना पड़ेगा, परेशान हो जाइएगा, दिमाग उसी में लगा हुआ रहेगा। एग्ज़ाम का 10-20% जो पढ़ा हुआ आपका खिसक जाएगा। 4 से 5 लाख लोग जाते हैं एग्ज़ाम देने, ऐसे में आपको एक दिन पहले जाना चाहिए, होटल बुक कर लेना चाहिए, 200-400 जहाँ भी आपको लगता है। बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके पॉकेट में तो इतना 200-400-500 तो होगा कि वो एक छोटा सा होटल एफोर्ड कर सकते हैं। तो एक इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सेंटर पे 1 या 2 घंटा पहले पहुंचिएगा। जो अब समय आपके लिए फिक्स किया गया है उससे यदि, अब पिछले बार भी हुआ था, मैंने अपने सेंटर पे ऐसे बच्चे थे जो लगातार रो रहे थे, 1 मिनट लेट हो गया था इस वजह से, क्योंकि बिहार में काफ़ी ऐसे स्कूल हैं जिनका नाम एक ही नाम से दो दो स्कूल हैं, कोई बालिका विद्यालय है और कोई उच्च विद्यालय है, लेकिन वो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन नहीं किया हुआ होता है, और इसके चक्कर में आप फंस जाते हैं सेंटर से उस सेंटर जाने में। 10 मिनट 15 मिनट ऐसा समय लग जाता है, और आप एग्ज़ाम के पे जो आपका फिक्स समय है उससे यदि 1 मिनट भी लेट से जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप अपना पूरा समय इस एक मतलब जो आपने तैयारी की है वो पूरा का पीरियड बर्बाद मत कीजिएगा कि मैं सेंटर पे। तो प्लीज़ जो लोग हैं उनको लग रहा होगा कि होटल में या कहीं बाहर या कहीं और जगहों पे रह के 1 घंटा पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। यदि आप लेट से जाते हैं 1-2 मिनट या कुछ ऐसे, तो आप पहले ही संशय में आ जाते हैं कि स्पेशल कैटेगरी वाले लोग हैं जो कुछ जुगाड़ करके आ रहे हैं। आराम से आधा घंटा पहले जाइए, एकदम चिल होकर बैठिए, माहौल देखिए, और जितनी पढ़ाई करनी थी उतना पढ़ाई आपके लिए उस समय सफिशियंट होगा। तो एग्ज़ाम सेंटर पर मत जाइएगा, वो भी इसलिए कि कहीं कहीं मैंने पिछले बार जहाँ पे सेंटर होता है उसके आसपास कहीं जो होता है रेलवे ढाला होता है, और रेलवे ढाला गिर जाता है मेन टाइम में, आप बाइक से होते हैं या फोर व्हीलर से होते हैं, वो नहीं क्रॉस कर पाते हैं और आपको नुकसान होता है, मैंने देखा है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ से आप बचिएगा, सेंटर के 5 मीटर 10 मीटर आगे पीछे ही बैठिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबसे अंतिम, एग्जामिनेशन सेंटर में सबसे तेज अपने आप को समझना है। एक क्वेश्चन आप पूछते हैं जो किसी से गलत हो जाता है, पहले तो करना नहीं है, लेकिन यदि गलत हो जाता है आप कहीं से जो जुगाड़ पानी से ये करने लगते हैं कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, वही लोग बाहर होते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है। मान लीजिए 4 लाख 5 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें रिजल्ट कितने का होता है, कुछ ही गिने चुने लोगों का, 8,000 10,000 लोग अगर, वैसे सबका होने लगे तो सब लोग ही तेज हैं,
आप अपने आप को बेहतर समझिए, अपनी तैयारी पे भरोसा कीजिए, निगेटिव मार्किंग है इसका, ध्यान रखिएगा। तो ए वाले वीडियो के लिए मुझे एक टाइटल देना पड़ेगा, बीपीएससी का कट ऑफ मार्क, तो उस पर काफ़ी लोग आएंगे और ये सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ध्यान में रखना चाहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। कुछ और चीज़ें हैं, ड्यूटी के पीरियड में सब वीडियो बना पाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जो मेन मेन है, मतलब ऐसा नहीं, उसके लिए मैं लगातार कोशिश करता हूँ। चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए।